बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिस्क असेसमेंट के ऊपर है। बेसिक्स ऑफ रिस्क असेसमेंट हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसके स्टेप्स कौन से हैं, किस तरह से आप रिस्क असेसमेंट जो है वो कैरी कर सकते हैं, और हर स्टेप के अंदर क्या चीज़ें आपको जो है वो कंसिडर करनी चाहिए, मद्देनजर रखनी चाहिए, दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं जी, रिस्क असेसमेंट है क्या। रिस्क असेसमेंट अगेन जो है वो एक मोहतात अंदाजा है, अ केयरफुल एग्जामिनेशन है आपके वर्क प्लेस पर, वर्क प्लेस के हैजर्ड्स का, रिस्क का, और ऐसी चीजों का जिनकी वजह से नुकसान हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का, एसेट का, अगेन इंडिविजुअल का, और जो कंट्रोल पहले से लगाए हैं वो क्या है, और फर्दर क्या कंट्रोल लगाए जा सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। अब इसमें रिस्क असेसमेंट के अंदर जो है वो रिस्क असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क असेसमेंट जरूरी क्यों है। अगेन रिस्क असेसमेंट की जरूरत इसलिए है कि रिस्क असेसमेंट अगर आप कंडक्ट कर रहे होंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिस्क है क्या, उसका लेवल क्या है, उसकी वजह से नुकसान किसको हो सकता है, और कंट्रोल लगा के उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। दिस इज द बेनिफिट एक्चुअली ऑफ रिस्क असेसमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट भी है रिस्क असेसमेंट की। अगर आप देखते हैं तो यूके रेगुलेशन या लेजिस्लेशन जो है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लीगल रिक्वायरमेंट है, पांच या पांच से ज्यादा लोग जहां पे भी अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, वहां पे रिस्क असेसमेंट जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। फॉर्मल रिटन और रिकॉर्डेड रिस्क असेसमेंट जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप ILO की बात करते हैं तो ILO के कन्वेंशन C-155 और आर्टिकल जो है वो R-164 के रिकमेंडेशन R-164 के मुताबिक भी आपके लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि जी आपने रिस्क असेसमेंट जो है कंडक्ट करनी है। मोर ओवर OSAS की जो है वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और उसमें भी रिस्क असेसमेंट की एक क्लॉज है जिसके मुताबिक रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। तो दिस इज व्हाट लीगल रिक्वायरमेंट्स जिसकी वजह से रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, फायदे क्या होंगे, रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उससे क्या हम कर सकते हैं। अगेन देखें, रिस्क असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंडिविजुअल लॉसेस को मिनिमाइज करना, अगेन फिजिकल इंजरीज को मिनिमाइज करना, डिजीजेस को मिनिमाइज करना ऑन द वर्क प्लेस, अगेन जो है वो प्रॉपर्टी या आपके जो एसेट्स हैं, मटेरियल हैं, उनका लॉस प्रिवेंट करना, लीगल कंप्लायंस करना, फटल इंसिडेंट्स को जो है वो प्रिवेंट करना, दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ द रिस्क असेसमेंट। और इसी की बेसिस के ऊपर आप जो है वो रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। देयर कुड बी मैनी मेथडोलॉजीज जो रिस्क असेसमेंट के अंदर यूज की जाती हैं। इट कुड बी सेमी क्वांटिटेटिव, इट कुड बी क्वांटिटेटिव, इट कुड बी क्वालिटेटिव, बट आज जो हम जिस पे बात कर रहे होंगे वो फाइव स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट है जो HSE एग्जीक्यूटिव की तरफ से जो है वो रिकमेंडेड है, हर वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। और उनको अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक या आपका स्टेप है वो आइडेंटिफाई द हैजर्ड है, कि आप शनाख्त करें जितने भी खतरात आपके वर्क प्लेस पे मौजूद हैं उनकी शनाख्त करें, और वो पहले स्टेप की रिक्वायरमेंट है। अब जब भी आपने पहले स्टेप में क्या करना क्या होता है कि शनाख्त जब आपने करनी है हैजर्ड्स की, तो उसमें आपने देखना ये है कौन से खतरात आपकी वर्क प्लेस पे अवेलेबल हैं। केमिकल हैजर्ड्स आपके वर्क प्लेस पे अवेलेबल हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स आपके वर्क प्लेस पे अवेलेबल हैं, फिजिकल हैजर्ड्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, नॉइज, वाइब्रेशन वो अवेलेबल हैं। इसी तरह केमिकल में अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ केमिकल या एक्सपोजर टू केमिकल हो सकता है, सच एज लेड, मर्करी एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसी तरह अगर आप देखते हैं बायोलॉजिकल के अंदर, लेजोनायर हो सकता है, अगेन आपका लेप्टोस्पिरा हो सकता है, अगेन आपका डेंगी हो सकता है, सो एंड सो। इसी तरह अगर आप बात करते हैं आपके फिजिकल हैजर्ड्स में, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने आपको बताया, नॉइज बताया, फायर बताया। अगर आप चले जाते हैं आपके इर्गोनॉमिक हैजर्ड्स की बात करते हैं तो वहां पे इर्गोनॉमिक के अंदर जो है वो आपके पुअर पोजिशनिंग, पोस्चर, टाइमिंग, वर्क प्लेस, सिटिंग, अगेन मैनुअल हैंडलिंग वगैरह जो है वो कंसिडर की जा सकती है। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं जी कि आपके साइकोलॉजिकल हैजर्ड में स्ट्रेस, फटीग, वायलेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं जितने भी टाइप ऑफ आपके हैजर्ड्स हैं, किसी भी तरह के वो, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो केमिकल हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हैं, और चाहे वो इर्गोनॉमिक है, यू शुड कंसिडर ऑल द हैजर्ड्स इन दैट। अब अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड की आप बात करते हैं स्टेप वन ऑफ रिस्क असेसमेंट,
तो उसमें आपने आइडेंटिफिकेशन में कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे आइटम्स हैं, कौन सी ऐसी असिस्टेंस आपको चाहिए या ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखना है या जहां से आपको हेल्प आउट मिल सकती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास्ट रिस्क असेसमेंट जो है वो उससे आपको हेल्प आउट मिल सकती है जी कि पास्ट में जो रिस्क असेसमेंट हुई है उसमें टिपिकल डिफरेंट एक्टिविटीज के अगेंस्ट कौन से हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए गए थे, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट अगेन बाकी स्टेप्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपके मैन्युफैक्चरर डाटा शीट जो है, सेफ्टी डाटा शीट जो है, उसमें मैन्युफैक्चरर या आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, आपका मशीन मैन्युफैक्चरर है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया कर रहा होता है कि जी कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं अगेन इन द यूज और व्हेन आप प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपकी लीगल लेजिस्लेशन जो है वो आपकी वो बता सकती है, आपके इंटरनेशनल जो गाइडेंस हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एच एस सी एग्जेक्टिव की बात करते हैं तो उनकी वेबसाइट पे डिफरेंट एक्टिविटीज मेंशन है, हर एक्टिविटी के हैजर्ड्स रिस्क वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से भी कंसिडर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास्ट इंसिडेंट एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स आपको बता सकते हैं जी कि कौन कौन से हैजर्ड्स जो हैं वो जिनकी वजह से या रिस्क की वजह से जो है वो एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स हुए हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसिडर व्हेन कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट। अब जब सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है कि जी आइडेंटिफाई हु माइट बी हार्म्ड और हु कैन बी हार्म्ड एंड हाउ ही माइट बी हार्म्ड। दूसरा स्टेप जो है आइडेंटिफाई द हैजर्ड के बाद हम चले जाएंगे हाउ आइडेंटिफाई हाउ हार्म विल बी क्रिएटेड, किस तरह से नुकसान होगा और किसको होगा। अब आपने वहां पे आइडेंटिफाई करनी है कैटेगरीज के जी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको एक्टिविटीज की वजह से, प्रोसेसेस की वजह से, मटेरियल की वजह से, अगेन आपके जो जितने भी टास्क हैं उनकी वजह से नुकसान हो सकता है वर्क प्लेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी विजिटर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके लिए ऑन साइट आके काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, आइदर पेंटिंग है, एक्सकेवेशन है, सो एंड सो। फॉर एग्जाम्पल आपकी वनरेबल कैटेगरीज हैं जो ज्यादा रिस्क पे होती हैं, लाइक आपकी विमेंस हो सकती हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स जिनको आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके ओल्ड पीपल हो सकते हैं, आपके यंग पीपल हो सकते हैं, आपके डिसेबल पीपल हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी हो सकती है, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है जी कि हैजर्ड्स के बाद फिर जी कैटेगरीज कौन सी हैं जिनको नुकसान हो सकता है, अब कैटेगरीज के साथ कौन सी एक्टिविटीज हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल ग्राइंडिंग कटिंग की एक्टिविटी है वहां पे जो है वो आपका अगर कोई विजिटर गुजर रहा है, दैट इज वन ऑफ द कैटेगरी एंड द एक्टिविटी, दिस इज द टिपिकल एग्जाम्पल। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया हैजर्ड्स को, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपके जिसे कहते हैं ना टिपिकल कैटेगरीज को और किस तरह उनको नुकसान पहुंच सकता है, अब आ जाएंगे आप इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क की तरफ। ठीक है जी, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। अब इवैल्यूएशन के अंदर आप जो है वो जिसे कहते हैं ना कि लो हाई मीडियम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क लेवल जो है वो आपका हाई है, लो है, मीडियम है। आइडेंटिफिकेशन जब आपने करनी है यू मस्ट कंसिडर कि जी पहले से कंट्रोल्स कौन से अवेलेबल हैं जिसकी बेसिस के ऊपर रिस्क हाई है या लो है। अब अगेन यू नीड टू कंसिडर कि अगर पहले से कंट्रोल लगे हैं तो ऑब्वियसली रिस्क लेवल जो है वो लो होगा या मीडियम होगा, हाई नहीं होगा। इन केस अगर आप नए जो एक्टिविटीज या प्रोसेसेस हैं या आइटम्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनके अगेंस्ट भी फिर अवैल्यूएट करेंगे कि अगर कोई कंट्रोल नहीं लगा देन यू विल डिसाइड क्या कंट्रोल लगने चाहिए। अब कंट्रोल लगाते हुए आपने इंश्योर करना है सो फार एज रीजनेबल एज प्रैक्टिकेबल, आपने इंश्योर करना है ये रिस्क असेसमेंट की बेसिस है जिसमें आपने देखना है कि जी अगर आपने सेफ्टी अचीव करनी है तो सेफ्टी अचीव करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी, कितनी एफर्ट्स करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगाना पड़ेगा, अगेन उसके अंदर इनकन्वीनियंस क्या हो सकती है और उसकी वजह से सेफ्टी क्या अचीव हो सकती है। तो दोनों को बैलेंस करके आपने चलना है, कॉस्ट वर्सेज रिस्क बैलेंस होना चाहिए। देन आप जब आप कंट्रोल लगा रहे होंगे तो आपने इंश्योर करना है कि जी आपके जो जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो देखेंगे, आपके रिसोर्सेज देखेंगे, आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है और फर्दर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगेन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं। तो जब आपने डिसाइड कर लिया हाँ जी ये कंट्रोल्स लगा रहे होंगे देन यू कैन कैटेगराइज देम लो हाई मीडियम और इसी तरह जो है वो इसको आप रिस्क को एवेलुएट करते हुए फिगर्स के अंदर भी लेके आ सकते हैं, आप इसको क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिस्क जो है वो जिसमें लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसको आप रेट कर सकते हैं, रिस्क वर्सेस आपके कॉन्सिक्वेंसेस, रिस्क को 1 to 5 जो है वो आप रेट कर सकते हैं लाइक्लीहुड को और इसी तरह
आपके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो रिस्क के अंदर उनको भी 1 to 5 जो है वो आप कर सकते हैं, और टोटल जो रिस्क लेवल निकलता है उसकी बेसिस के ऊपर आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है, ये मॉडरेट है, ये टॉलरेबल है या आपका अनएक्सेप्टेबल है. सो दैट इज व्हाट हाउ यू कैन कैटेगराइज इन दिस टिपिकल स्टेप आपका जिसमें आप रिस्क एवेल्युएशन कर रहे हैं. अब जब आपने रिस्क एवेल्युएट कर लिया, आपको पता चल गया है कि ये हाई है, लो है, मीडियम है, अगेन आपका मॉडरेट है, टॉलरेबल है, एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, तो उस केस के अंदर जो है वो आप नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको फॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं आपके फॉर्मेट के ऊपर जो रिस्क असेसमेंट फॉर्मेट बना हुआ है उसमें फिर आप रिकॉर्ड करते हैं जो पहले 3 steps के अंदर आपने जितना भी काम किया, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स है, जिसमें अगेन आपकी कैटेगरीज हैं, जिसमें एक्टिविटीज हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग और आपके जो न्यू कंट्रोल्स हैं और फर्दर रिस्क लेवल है, उसको आप फॉर्मली रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके फॉर्मेट के ऊपर. एंड देन लास्ट आपका जो 5th step है जिसमें रिव्यू एंड रिवाइज रिस्क असेसमेंट एज नेसेसरी वाला जो है कि फिर उसके बाद आपने रिव्यू करना होता है. अब रिव्यू जो है वो इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट, एनुअल मिनिमम रिव्यू आपका होना ही चाहिए. हाउएवर आपके कंपनी टू कंपनी जो है वो रिव्यू आपका फोर्टनाइटली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी के वो कब करना चाह रहे हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपकी रिस्क असेसमेंट का रिव्यू जो है वो नेसेसरी हो जाता है, जरूरी है करना. फॉर एग्जांपल कोई सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेशन चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोसीजर्स चेंज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपके हैजर्ड्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एडिशनल आ जाते हैं, रिस्क लेवल जो है वो अगेन चेंज हो जाता है. तो ये टिपिकल आपके जो है वो जिसे कहते हैं ना सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें फिर आपको रिव्यू करनी पड़ेगी रिस्क असेसमेंट, और इन केस अगर जरूरत है उसमें चेंजेस की नेसेसरी है तो चेंजेस भी आप कर सकते हैं. अब सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट आपकी कैसे हो सकती है, कोई भी रिस्क असेसमेंट सूटेबल एंड सफिशिएंट, और ये कॉमन क्वेश्चन है, निवॉश के अंदर भी कॉमन क्वेश्चन आता है कैसे हो सकती है सूटेबल एंड सफिशिएंट. अगर आप 5 steps ऑफ रिस्क असेसमेंट फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो रिस्क असेसमेंट है वो सूटेबल एंड सफिशिएंट कंसिडर होगी. कैसे होगी सूटेबल और सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट में आपका जो है वो नेम ऑफ द असेसर भी आना चाहिए, सूटेबल और सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट में आपकी लोकेशन भी आनी चाहिए, हैजर्ड्स आइडेंटिफाइड वो भी आने चाहिए, रिस्क लेवल भी आना चाहिए, एग्जिस्टिंग कंट्रोल भी आने चाहिए, आपके फर्दर कंट्रोल भी आने चाहिए, आपके फॉर्मेट के ऊपर रिकॉर्ड भी होनी चाहिए, डेट ऑफ असेसमेंट भी होनी चाहिए, नेक्स्ट डेट ऑफ रिव्यू भी होना चाहिए. तो जब ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी तो ये सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट बन जाएगी. अब अगर आप 5 steps को फॉलो कर लेते हैं जो HSE एग्जीक्यूटिव ने दिए हुए हैं जनरली किसी भी वर्कप्लेस के लिए, हाउएवर स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट लाइक हैजोप हो सकती है, हैजेड हो सकती है, हैजान हो सकती है, सेल हो सकती है, फेमिया हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंट आपके मेथोडोलॉजीज हैं वो हो सकते हैं, बट जेनेरिकली ये रिस्क असेसमेंट के 5 steps अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने वर्कप्लेस पे इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द टिपिकल थिंग्स यू नीड टू कंसिडर. अब रिस्क असेसमेंट में अगेन अकेला बंदा रिस्क असेसमेंट जो है वो नॉर्मली नहीं कर सकता, आपकी टीम अप्रोच जो है वो लागू होती है, और टीम अप्रोच के लिए अगेन आप सिलेक्शन जब कर रहे होते हैं टीम की तो आप देख रहे होते हैं कि बंदा कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, और अगेन बंदे के पास पास्ट बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, एकेडमिक नॉलेज क्या है, डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, बंदे ने पास्ट में रिस्क असेसमेंट में कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया, अगेन प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज हैंड्स ऑन है कि नहीं है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑन रिस्क असेसमेंट की है कि नहीं की, तो केट को आप फॉलो कर सकते हैं नॉलेजेबिलिटी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. और टीम के अंदर आप इंश्योर करते हैं कि जी आपका टेक्निकल कोई ना कोई एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, प्रोसेस है, सो एंड सो. इसी तरह आप इंश्योर करते हैं कि HSE एक्सपर्ट हो जिसके पास स्पेसिफिक HSE एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज अवेलेबल है. इसी तरह आप आपका लाइन मैनेजर उसमें लेके आ सकते हैं जिसके पास अथॉरिटी है टू मेक डिसीजन, जिसकी बेसिस के ऊपर आप कंट्रोल्स लगा रहे होते हैं, और आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका वर्कर रिप्रेजेंटेटिव उसमें आ जाए, सुपरवाइजर उसमें आ जाए, डिपेंड्स ऑन, बट टिपिकल फॉर्मेशन जो है वो आपकी यही होती है. सो दिस इज व्हाट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क असेसमेंट एंड 5 steps ऑफ रिस्क असेसमेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट वीडियोज ऑन HSE.